शहजाद कुरैशी की ट्रॉफी जो है वो मेरे हाथ में है। ये बेसिकली 13th साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो है उसकी ट्रॉफी है, जिसमें शहजाद कुरैशी ने पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए फर्स्ट पोजीशन ली है। ये सफ़र मैंने 2008 से शुरू किया था। रमज़ान से मैंने थोड़ा थोड़ा डाइट करना शुरू करी, फिर रमज़ान के बाद से स्ट्रिक्टली डाइट करी। फिर 3 मंथ का वक्त था ये आपके सामने, रमज़ान, फिर ईद, फिर बकरीद आ गई थी। फिर उस दौरान भी डाइट पर रहना, ईद के 3 दिन ट्रेनिंग करना, क्योंकि हमने ईद के 2 दिन बाद हमने निकलना था मुकाबले के लिए। तो बस ये सफ़र इतना मुश्किल था कि मैं बयान नहीं कर सकता इसका। कितनी मोहब्बत, कितना प्यार मिला आप? देखिए, प्यार तो अपनों से मिला, बाकी तो किसी से नहीं मिला। सबसे बड़ा तो गर्व यह था कि पाकिस्तान का जब कौमी तराना चलता है दूसरे मुल्क में, तो सबसे बड़ा तो हट वो था, क्योंकि उसके बाद ख़त्म हो जाता है सर। गवर्नमेंट की तरफ से कोच नहीं मिलता यहाँ पर सिवाय क्रिकेट को। सुनो डिजिटल के साथ, मैं हूँ नाज़िश आयाज़ और मैं मौजूद हूँ इस वक्त शहजाद कुरैशी के पास। शहजाद कुरैशी की ट्रॉफी जो है वो मेरे हाथ में है, इसको देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये बेसिकली 13th साउथ एशियन चैम्पियनशिप बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जो है उसकी ट्रॉफी है, जिसमें शहजाद कुरैशी ने पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए फर्स्ट पोजिशन ली है। शहजाद कुरैशी जो है वो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि उनको इस सफ़र में क्या हर्डल्स रहे, क्या मुश्किलात रहीं, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत दरकार है उन्हें। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। शहजाद, मुझे बताएं कि भाई कैसे ख्याल आया आपको कि जो है वो आप इतनी अच्छी, इतनी भारी सी ट्रॉफी भी लेकर आ सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और क्या हर्डल्स थे? नहीं, देखें, ये जो गेम्स है थोड़ा मुश्किल है और इसमें थोड़ी दिक्कत भी बहुत है, इसमें मुश्किलातें भी आती हैं। सबसे मुश्किल काम है इसमें डाइट्स करना, क्योंकि जो सबसे टफ़ और रूटीन यही है कि डाइट करके और यहाँ मौसम गर्मी के अंदर ट्रेनिंग करना, वर्कआउट करना। एक टाइम पे तो ऐसा लगता था कि ना नहीं कर सकेंगे, मगर हिम्मत करी, मैंने बोला नहीं करना है, अपने आप से खुद से बोला नहीं करना है, करना, हिम्मत करी, करते रहे, तो ऐसे मंथ गुजरते चले गए। फिर अल्लाह पाक ने, फिर दिन करीब आ गए, फिर सफ़र शुरू हुआ। तो सफ़र में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई, बस वहाँ पहुँचे, फिर हम लोग जो अपना हमारे जहन में टारगेट था कि यार बस अल्लाह पाक इज़्ज़त दे दे, बस वहाँ से बस दुआ शुरू कर दी थी अल्लाह पाक ने। वहाँ पे फिर हम पहुँचे, इज़्ज़त दी अल्लाह पाक ने, फिर हमारा कॉन्टेस्ट का दिन आया, फ्राइडे को हमारा कॉन्टेस्ट था, फिर हम लोग कॉन्टेस्ट के लिए गए वहाँ पे। फिर जब हम मेरा अनाउंस हुआ नाम, फिर हम लोग गए स्टेज के ऊपर, सब वन बाय वन जाते हैं, स्टेज बना होता, काफ़ी बड़ा स्टेज था, एक मतलब इंटरनेशनल स्टेज पर जाना और फिर वहाँ पोजिंग करना, यही गर्व की बात होती है। और फिर वहाँ जीतना, उससे बड़ा गर्व होता है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा तो गर्व यह था कि पाकिस्तान का जब कौमी तराना चलता है दूसरे मुल्क में, सबसे बड़ा तो हट वो था, क्योंकि उसके बाद ख़त्म हो जाता है सब। अच्छा शहजाद, मुझे ये बताएं कि सफ़र जो है वो कब से शुरू किया आपने बॉडी बिल्डिंग का, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, बनते बनते बहुत वक्त लग जाता है। ये सफ़र मैंने 2008 से शुरू किया था, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर कराची लेवल पर, फिर सिंध लेवल पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र चलता गया। फिर एक अल्लाह पाक ने फिर एक मौका आया, तो मुझे बाहर का मौका मिला चांस, तो मैं बाहर खेलने गया, वहाँ मैं सिल्वर मेडल हो गया था। फिर उसके बाद दोबारा एक मौका मिला, फिर मैं एशिया चैम्पियनशिप खेलने गया, तो उसमें मैं गोल्ड हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा करते कंटिन्यू चलता चला गया, वो सफ़र चलता चला गया। फिर 2022 के अंदर मैं थाईलैंड गया, थाईलैंड के अंदर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली, उसके अंदर मैं सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल्स हुआ। फिर उसके बाद मेरे को कॉल आई कि ना यार वो साउथ एशियन चैम्पियनशिप हो रही है, वो आपने खेलनी है। मेरा ठीक है सर, खेल लेंगे इंशाल्लाह। उसकी मैंने फिर प्रेप शुरू करी, रमज़ान थे, रमज़ान से मैंने थोड़ा थोड़ा डाइट करना शुरू करी, फिर रमज़ान के बाद से स्ट्रिक्टली डाइट करी। फिर 3 मंथ का वक्त था ये आपके सामने, रमज़ान, फिर ईद, फिर बकरीद आ गई थी। फिर उस दौरान भी डाइट पर रहना, ईद के 3 दिन ट्रेनिंग करना, क्योंकि हमने ईद के 2 दिन बाद हमने निकलना था मुकाबले के लिए। तो बस ये सफ़र इतना मुश्किल था कि मैं बयान नहीं कर सकता इसका। अब मुझे बताएं कि कितनी मोहब्बत, कितना प्यार मिला आपको यहाँ पे लोगों से, ये इतनी अच्छी, इतनी भारी ट्रॉफी लेकर आए आप? देखें, प्यार तो अपनों से मिला, बाकी तो किसी से नहीं मिला, जो हमारे फील्ड के लोग हैं और जैसे जो मोहब्बत जो करते हैं मुझसे, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मोहब्बत करता हूँ। पड़ोस में, मतलब जैसे मेरे जिम के स्टूडेंट्स हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जितने भी, सबसे बहुत प्यार मिला। मतलब इतना प्यार मिला है कि पाकिस्तान जब ये न्यूज़ में चला, सारी मेरी ख़ानदान, मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने सब चाहने वालों ने बहुत मोहब्बत दी। अच्छा, गवर्नमेंट की जानब से कोई स्पॉन्सरशिप, किसी इदारे की जानब से कोई स्पॉन्सरशिप मिली? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी स्पॉन्सरशिप मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता यहाँ पे सिवाय क्रिकेट को। हम लोग गए सीधे बस और हम आ गए, इधर ना गवर्नमेंट का कोई बंदा वहाँ मौजूद, क्योंकि देखें
सबसे बड़ा गर्व होता है कि आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं, आपका फराना चल रहा है, ये एहसास की बात है बहुत। ये कोई आम बात थोड़ी है कि एक दूसरे मुल्क में जाके अपना तराना चलवाना और अपना फ्लैग लहराना आसान बात नहीं है। मगर उसके बाद भी कुछ यहाँ पे सूरत हाल नहीं है, सारे न्यूज़ पे चले, सब गवर्नमेंट्स के आपको पता है बंदे देखते हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं, कोई वहाँ पे एक बंदा मौजूद नहीं था। हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे, पैसा भी नहीं चाहिए, कम से कम एक आके एक सपोर्ट प्रोटोकॉल दें कि लगे कि हाँ यार हम पाकिस्तान के लिए जीत कर आएँ। अच्छा भाई आएँ, अभी शहजाद का हम वर्कआउट देखते हैं। ये वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि एक ज़रा सी टम्मी अंदर करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो सोचें जब पूरी आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती होगी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। तो शहजाद मेरे साथ हैं, हम देखते हैं शहजाद किस तरीके से वर्कआउट करती है। मैंने आपको दिखाया कि शहजाद क्रैशी कैसे वर्कआउट करते हैं। दुआ तो ये है कि अल्लाह ताला उन्हें मुस्तकबिल में भी मज़ीद कामयाबियाँ दें और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, लेकिन साथ ही ये भी दुआ है कि पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें अपनी सरपरस्ती में ले और उन्हें स्पॉन्सर भी करे। मैं जा रही हूँ अब मज़ीद एक्सरसाइज करने, क्योंकि शहजाद को देखने के बाद मुझे भी थोड़ी सी फिटनेस फ्रीक वाली जो है ना वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। बट टिल माई नेक्स्ट वीडियो मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।